अभी हम आपके सामने वो कारनामा पेश करने जा रहे हैं जो आपने ना कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना ही कभी देखेंगे। जवानी और जोश से भरपूर कारनामा। रुक जाइए लड्डू के भैया। कम ऑन तिवारी जी। भैया स्माइल। बर्फ में बैठते ही खोका सील हो जाएगा। अरे यार, हमने काफी देर पहले बाबा जी की पुड़िया खाई थी, ये अभी तक असर क्यों नहीं कर रही है? तिवारी जी, अब बात हमारी लेटने की हुई थी, लेट के दिखाइए। अरे भैया, ठंड में कच्छो पहन रखो है का? मिस्टर तिवारी, गुड गोइंग, गुड गोइंग। भैया स्माइल। आप ठीक तो हैं लड़के के भैया? आई एम फाइन बगल ही। मिस्टर तिवारी, आर यू ओके? ओके मम्मी जी। हेलो, विभूति मिश्रा बोल रहा। भैया बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा? यार तुम्हारा नंबर निकालने में बहुत मुश्किल होता है यार। एक बात, अबे मैं बाबा चन्ना लाल बोल रहा हूँ भाई। जो पुड़िया लेके गया था ना, वो नहीं लेना, गलत पुड़िया दे दिया है बच्चा। जोश बढ़ेगा नहीं, जोश तो ऐसा वो। क्या हो गया? बड़ी चिरान है ये दोनों, बड़ी चिरान है। तिवारी जी, बाबा जी का फोन आया था और वो कह रहे थे कि जो पुड़िया उन्होंने मुझे दी थी ना, वो गलत थी। जो पुड़िया आप खा के लेटे हैं। तिवारी जी ओके? भैया क्या है, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, सर्दी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मलखान जड़ो लगो यार। अरे इतनी जारी चमड़ी में भी तो जाड़ो लग रहा है। गुर्दा जंबे हाथ काट रहे दादा। लौंडो, ओ लौंडो, हमें लग रहा हूँ मार साहब की एक और रजाई चोरी हो गई। चलो चलो चलो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हे रुको, हदी आप कब आए? भाभी जी, हमें तो पता ही नहीं चला कि हम कब आए और कब आपके हसीन रक्स के जल्वों में खो गए। भाभी जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। क्या बोले? पर भाभी जी, आप बहुत कमाल डांस करती हैं। ये रूप आपका पहले कभी देखा नहीं मैंने भाभी जी। हाँ भरभूति जी, वो कहा है ना कि हम काला साइकिल डांस की ट्रेनिंग लिए हैं। भाभी जी, क्लासिकल डांस सही पकड़े हैं, हम शास्त्रीय नृत्य सीखे हैं। वाओ भाभी जी, क्या बात है, क्या बात है। आपके डांस में वो नजाकत है, वो नफासत है, जिसे देख के किसी के भी तोते उड़ जाएं और फाख्ता उड़ जाएं। ये नजाकत का होता है? ये लो, नजाकत हमसे पूछ रही है कि नजाकत क्या होता है। नजाकत आप हुआ करती हैं। क्या बोले? पर भाभी जी, नजाकत का मतलब होता है स्टाइल, अदा, जो आप में है भाभी जी। ये सब तो हमको ना ही पता प्रभुति जी, लेकिन जब हम डांस करते हैं ना तो एकदम खो जाते हैं। भाभी जी, आप डांस करते करते खो जाती हैं और हम आपका डांस देखते देखते खो जाते हैं। भाभी जी, आपने ये अपना हुनर जो है ये चार दीवारी में कैद करके क्यों रखा हुआ है? इसको बाहर लेके जाइए, लेट द होल वर्ल्ड सी इट। खुले में नाचिए। अरे बाहर खुले में मतलब
देश विदेश में जाइए, आप अपने कॉन्सर्ट्स कीजिए, फिल्मों में ट्राई कीजिए, मैं हेल्प करता हूँ आपके आरबीओ सेक्रेटरी। नहीं नहीं, हमको ये सब लड्डू के भैया नहीं करने देंगे। अभी जी, इट्स टाइम आप लड्डू के भैया को अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। अभी जी क्या है कि देखिए, कलाकार एक 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 सागर की तरह होता है, उस पर कोई बांध नहीं बना सकता। अगर कोई बांध बनाने की कोशिश करता है भाभी जी, तो वो जो जो कलाकार अपनी कला से उस बांध को तोड़ देता है, नेस्तनाबूत कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या खबरें पढ़ी जा रही थी, जरा हमें भी सुनाइए भाभी जी। अरे नहीं नहीं, खबरें नहीं पढ़ी जा रही थी, मैं तो नौकरी के विज्ञापन पढ़ रही थी। अरे आपको नौकरी के विज्ञापन की क्या जरूरत है, आपकी तो ग्रूमिंग क्लासेस बहुत सही चल रही है भाभी जी। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं विभू के लिए नौकरियां ढूंढ रही थी। ओह, अगर भभूति जी के लिए ढूंढ रही तो फिर कोई फायदा नहीं है, मटिया दीजिए। आपको बुरा लगा लेकिन क्या करें भाभी जी, ये हकीकत है। दरअसल भभूति जी के अंदर जो काम करने वाले कीड़े हैं ना, वो मर चुके हैं और उसकी जगह आलसी कीड़ों ने ले ली है। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। लेकिन तिवारी जी, कोई तो ऐसा आइडिया होगा, कोई तो ऐसी उम्मीद होगी जिससे कि विभू में फिर से एक मेहनती आदमी जाग जाए। अब क्या आइडिया सजेस्ट करें भाभी जी? एक आइडिया है भाभी जी। एक आइडिया है जी, बताइए ना। आप उनसे कह दीजिए कि आपकी जो ग्रूमिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं वो कम हो गए, इसलिए इनकम भी कम हो गई है, और आप जितना कमाती है उससे घर का खर्चा नहीं चलता, सो भभूति जी को काम करना पड़ेगा, ऐसा कह दीजिए। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तो बहुत अच्छा आइडिया है। अनु बेबी। अबे तेरी। तिवारी जी, विभू आ रहा है, सीरियस हो जाइए। जी सीरियस। अनु बेबी, क्या बात कर रही है भाभी जी, तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी। What happened? क्या हुआ? मुश्किल तो होने ही वाली है ना तिवारी जी। जी। एक ही तो कश्ती थी जिसके सहारे गृहस्थी की नदी पार कर रहे थे, अब उस कश्ती में भी छेद हो गया। कश्ती में छेद हो गया, किसकी? हाँ, किसे कर दिया छेद? आपको बताने से क्या होगा, आप कौन सा कश्ती का छेद भर देंगे? कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? What happened? मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में 10 स्टूडेंट्स ने ग्रूमिंग क्लासेस छोड़ दी हैं। मेरी इनकम आधी हो गई, अब कैसे चलेगा घर? ओह गॉड, ये तो अपनी कश्ती में छेद था यार। ओह गॉड, अब क्या होगा? अब क्या होगा यार? जैसे तुम चने फाक रहे हो ना, उसी की नौबत आ जाएगी। इनकम आधी हो गई है, कैसे चलेगा घर? इसका मतलब ये है कि आप चोरी कीजिए, डाका डालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कश्ती का छेद भरिए, पैसे लेकर आइए, नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे। नहीं अनु, मैं अपने इस घर की कश्ती को रोड पर नहीं आने दूंगा। मैं भरूंगा छेद कश्ती का, मैं करूंगा काम। मैं काम करूंगा ना, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं अच्छा विभूति बन के दिखाऊंगा। तेरी। मुझे एक फिल्म में रोल मिला है, कोरियोग्राफर का। अभी एक्चुअली मुझे क्लासिकल डांस आता नहीं है, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी कि अगर आप मुझे क्लासिकल डांस सिखा दें तो मैं ये रोल बेहतर कर पाऊंगा। कौन सा गाना है? क्लासिकल डांस भी क्लासिकल करते हैं भाई, सो क्लासिक।